को हमारे YouTube चैनल और हमारे किचन माजी के जायके में खुश आमदेद। आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आपको याद है, हम कर रहे हैं अपना बारबेक्यू वीक। तो इसके लिए आज हम मैरिनेट करेंगे चिकन बोनलेस टिक्का बोटी। चिकन बोनलेस टिक्का बोटी के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने तकरीबन ये 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसको मैंने खुद से ऐसे चकोर चकोर कटिंग कर ली है और क्लीन करके धो के इसको मैंने ड्राई कर लिया है। अगर चिकन थोड़ा सख्त हो तो इसमें बेकिंग सोडा लगा के थोड़ी देर के लिए रख दें। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं वो है, मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट के लिए है, मेरे पास 1/4 टीस्पून मस्टर्ड है, 1 टेबलस्पून मेरे पास जीरा, 1 टीस्पून अदरक पिसा हुआ, 1 टीस्पून गार्लिक पिसा हुआ, 1 टीस्पून मेरे पास दालचीनी का पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट है और 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मोटी लाल मिर्च। लाल मिर्च, मिर्चों का हिसाब प्लीज अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैं थोड़ी सी तेज मिर्च खाती हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून बिल्कुल बारीक पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून हमें चाहिए तकरीबन लेमन जूस के, तो मैं इसको फ्रेश लेमन जूस यूज करूंगी। इसके अलावा मैंने तकरीबन ये देखें 1/4 कप मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल का, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी और 2 टेबलस्पून हम विनेगर के यूज करेंगे। अब हम इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। ये देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें विनेगर का डालूंगी। मैं तकरीबन ये देखें जो विनेगर है वो यूके में बहुत आराम से और हर जगह दस्तयाब हो जाता है, अब तो पाकिस्तान में भी आराम से अच्छी और सस्ती चीज मिल जाती है। तो ये मैंने व्हाइट विनेगर यूज किया और ये आपको चिकन को गलने में मदद भी करता है। इसके बाद जो मैंने 1/4 कप ऑलिव ऑयल लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। लेमन, ये मेरे सीडलेस लेमन है, इसमें बीज नहीं है, लेकिन अगर बीज हो तो प्लीज उसको निकाल लीजिएगा। लेमन मैं इस तरह इसमें डाल दूंगी। अब इसमें दही, मस्टर्ड, जीरा पिसा हुआ, अजवाइन 1/4 तकरीबन 2-3 चुटकियां आप कह लें, जिंजर गार्लिक, अदरक लहसुन, दालचीनी का पाउडर, इससे थोड़ी सी स्मेल डिफरेंट हो जाएगी इसकी, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला और सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा और इन सब चीज़ों को साफ करके डाल के अब मिक्स कर लेंगे। और अब इन सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर देंगे। अगर चिकन को आपने गलाना है तो इसमें लोग बहुत सारी पाउडर कुछ भी यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे आराम से खुद ही गल जाएगा। और तकरीबन मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी, इसमें विनेगर और लेमन है वो इसको खुद ही सॉफ्ट कर देगा। ये देखें हमारा चिकन मैरिनेट हो गया, अब इसको मैं ढक के ओवरनाइट रख दूंगी और फिर कल हम इसको बारबेक्यू पे लगाएंगे। तो मैंने चिकन टिक्का मसाला बोटी लगाई थी, इसको मैंने बारबेक्यू पे रखा है और मैं इसको अच्छी तरह बना रही हूँ।
एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।